हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरजे और आप लोग देख रहे हो आरजे आदिवासी। तो सभी को सबसे पहले जय मसीह की। आज संडे है और हम लोगों का काम छुट्टी है, तो मैं इस तरफ जंगल की तरफ थोड़ा घूमने के लिए आ गया और इसीलिए सोचा कि चलो बहुत दिन के बाद में थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। वैसे मैं सोशल मीडिया से अभी थोड़ा दूर ही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब में जो मैं 2023 का सितंबर में लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद में मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया था। इंस्टाग्राम वगैरह में तो अपलोड करता था, क्योंकि वो वहाँ 15 सेकंड का वीडियो होता है, तो वहाँ पर 15 सेकंड बनाने में बहुत आसान है और उसको बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो इसीलिए इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं एंड वहाँ पर वीडियो बना देते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। ये इंस्टाग्राम में काम करना और यूट्यूब में काम करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं आप सभी को बता दूँ कि आजकल मैं बाइबल भी पढ़ने लगा हूँ, तो इसीलिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना रखा हूँ। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला में से एक बुक है नंबर वन। इस तरफ बहुत ज़्यादा सुनसान जंगल है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि यहाँ सुअर होता है, वो सुअर बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरफ गड्ढा के जैसे, नाली के जैसे बना है ना, इस तरफ आते हैं जंगली वाला। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं अभी फिर से मैं बाहर आ चुका हूँ घर से, क्योंकि मैं घर गया था और घर जाने के बाद में फिर से मैं बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि हालत ठीक नहीं है, घर के कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए घर में रह के कुछ इनकम नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए बाहर में आ जाते हैं तो कुछ दो तीन पैसा कमाई हो जाते हैं। एंड वो हालात भी हम लोग सुधारने के लिए, हम लोग अपना घर बनाने के लिए अपना घर को ही छोड़ के आना पड़ता है गाइस। तो हे गाइस, मैं फाइनली रूम आ चुका हूँ। ये रहा मेरा रूम, थोड़ा गंदा सा दिखता है, अब क्या करेंगे ना। आई होप गाइस आज के इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग बाइबल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे उसके बारे में।